ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम। अब एक ऐसा विषय जो जुड़ा हुआ है नागों से, या जिसे कहते हैं नाग बलि का विधान। लेकिन मैंने बहुत बार सुना है कि जब जब किसी को पितृदोष आदि होता है, और सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने इसके लिए कोई विधान करवाया था या करवाया है, तो किसी को पता होता है तो वह बोलते हैं नारायण बलि। लेकिन अधिकतर मैं शब्द जब सुनता हूँ तब वो बोलते हैं नारायण नाग बलि। लेकिन नारायण बलि अलग है, नाग बलि अलग है। पंचबलि का जब प्रयोग किया जाता है 2.5 से 3 दिन का, जब परिवार में बहुत गंभीर रूप से पितृदोष हो उस विषय में। लेकिन जब आप नारायण बलि करते हो तो केवल नारायण बलि ही होती है, उसमें नाग बलि नहीं होती है। उस शब्द को कैसे मिश्रित किया गया है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं आज उसी विषय पे बात करूंगा, खास करके नाग बलि, कि नाग बलि आप कब करवा सकते हो, या नाग बलि क्यों की जाती है और नाग बलि कैसे की जाती है। मैं संक्षिप्त में आपको आज यह विधान बताने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो सर्वप्रथम सुनिए कि किसी ना किसी वजह से अगर आपकी जन्म कुंडली में नाग दोष उत्पन्न हुआ है, या जैसे काल सर्प दोष अगर किसी की जन्म कुंडली में है, तो वो भी यह चाहे तो करवा सकते हैं। दूसरा, अगर किसी ने सर्प को या नाग को मारा है, उन्हें अवश्य यह विधान करवाना ही चाहिए, अन्यथा आने वाले जन्मों में इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है निसंदेह। कई बार यह भी होता है कि पूर्व जन्म के दोष के कारण भी इस जन्म में नाग दोष या काल सर्प दोष है, या नाग या सर्प से जुड़ी कई बार समस्याएं होती हैं, और तब जाके इसका निवारण, या अगर हम कहें कि इसके दोष से मुक्ति हेतु नाग बलि का विधान किया जाता है या फिर करवाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, संस्कृत में ही लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि ये क्यों किया जाता है, तो सर्पवद दोष परिहारार्थम इमं लोहदंडम सदक्षिणम तुभ्यम अहम संप्रददे। जब इसकी शुरुआत होती है तब सर्प दोष के वध की मुक्ति हेतु जो ब्राह्मण देवता आपका यह विधान करने वाला है या करवा रहे हैं, नाग बलि की पूजा जो करवा रहे हैं, उन्हें लोहदंडम, लोहे का दंड उनको सबसे पहले दान में देना चाहिए। तो ये है, दे ना दे वो आपकी मर्जी है। तो इसका करने का सबसे पहला ये एक रीजन है, यह एक कारण है। इसके बाद वहाँ पर पूरी चौकी स्थापन आदि सब लगाया जाता है, और फिर वहाँ पर प्रार्थना की जाती है, एहि पूर्व मृतः सर्प अस्मिन् पिष्टे समाविश संस्कारार्थम महम भक्त्या प्रार्थयामि समाहितः। तो जैसे कई बार नाग देवता जब मृत्यु के समीप जाते हैं, या नाग देवता या नाग का या सर्प का जब वध किया जाता है या हो जाता है बाय मिस्टेक, तो फिर उसको जलाना ही पड़ता है, उसके अग्नि संस्कार ही किए जाते हैं, और ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब जब यह संस्कार हो जाए, उस संस्कार के बाद क्या कहा गया है, भो सर्प इमं बलिं गृहाण मम अभ्युदयम् कुरु कुरु, कि मैं बलि दे रहा हूँ। अब बलि का मतलब ये नहीं है, यहाँ कोई पशु बलि आदि नहीं है। जब इसका विधान किया जाता है, उरद के आटे का दीपदान, फिर काले उरद, फिर चने, फिर जो पायस कहलाता है पायस, उन सारी चीज़ों के ऊपर दीपदान किया जाता है, और उसकी बलि की यहाँ पर बात कही गई है। तो क्यों, तो मम अभ्युदयम, मेरा अभ्युदय हो इसलिए, क्योंकि अगर किसी ने नाग का वध किया है उसका अभ्युदय हो ही नहीं सकता, उसका फल उनको भुगतना ही पड़ता है, तो इसके लिए यह किया जाता है। फिर क्या लिखा है, अस्मिन् सर्प संस्कार होम कर्मणि देवता परिग्रहार्थम अन्वाधानम करिष्ये चक्षुषी आज्ये नित्यं ते अग्नौ अग्निम वायुम सूर्यम आज्येन सर्पमुखे प्रजापतिम आज्येन आज्ये शेषेन सर्पम सद्यो यक्षे। ये एक पूरा संस्कृत में विधान है, मैं कुछ कुछ ही महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अन्यथा पूरा संस्कृत में है। यहाँ पर दर्भ का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कुशा कहते हैं, उस नाग बलि के प्रावधान में कुशा का प्रयोग किया जाता है, और ये जो सारी मैंने कुछ कुछ श्लोक बोले या बलिदान के विषय में बोला वो। फिर इसका यज्ञ किया जाता है,
और इस यज्ञ को करने के बाद जो नाग देवता के या सर्प के जो मंत्र है उससे प्रार्थना की जाती है। नाग देवता का जो स्थापन किया गया है उनकी 16 उपचार आदि पूजा की जाती है, उनकी 16 उपचार आदि पूजा की जाती है। कभी कभी सपने में बहुत नाग के दर्शन होते हो, सर्प बार बार दिखाई देता है, तब भी यह किया जा सकता है नाग बलि का विधान। जैसे यहाँ पर लिखा है कि त्राही त्राही महाभोगिन सर्पोपद्रव दुखतः, सर्पों के उपद्रव से त्राही माम हो गया हो। संततिम देही में पुण्यम निर्दुष्टम दीर्घ देहिनी, कभी कभी संतान प्राप्ति में भी अगर बाधा आती है तो जैसे बहुत लोग आपको कहते ही होंगे कि आप पंचबलि करवाए तो पंचबलि में नागबलि आ जाती है, इसलिए भी वो कहते होंगे कि पूर्व जन्म का ऐसा कोई दोष हो, नाग को मारा हो, सर्प को मारा हो या किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में, तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ता ही है, तो वह नागबलि पंचबलि में आ जाती है, तो यहाँ पर वो प्रमाण है। ज्ञान तो अज्ञान तो वापी कृतः सर्प वधो माया, जैसे अभी मैंने आपको कहा ना कि जानते या अनजाने में ही कृतः सर्प वधो माया, अगर मुझसे सर्प का वध हो गया है तो जन्मांतरे तथैत सुमिन मत पूर्वई रथवा विभो तत्पापम नाशय क्षिप्रम अपराधम क्षमस्व में, वो अगर इस जन्म की बात हो, पिछले जन्म की बात हो या जन्मो जन्मांतर की बात हो, अगर मुझसे जाने अनजाने में सर्प नाग वध हो गया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ, हमें क्षमा करें, हमारे घर में हमारे वंश में संतान की प्राप्ति हो, किसी भी प्रकार के बुरे स्वप्न अगर सर्प नाग के कोई भी आ रहे हो तो उससे मुक्ति प्राप्त हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए आप यह नाग बलि विधान करवा रहे हैं। फिर यहाँ क्या लिखा है कि अगर आप सशक्त हो तो 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, और वो भी क्यों करवाना चाहिए, उन 8 ब्राह्मणों को अष्ट नाग देवता के स्वरूप में बोला है। अब देखिए क्या है कि सर्प स्वरूपीण ब्राह्मणाय नमः, शंखपाल स्वरूपीण ब्राह्मणाय नमः, अनंत स्वरूपीण ब्राह्मणाय नमः, शेष स्वरूपीण ब्राह्मणाय नमः, कपिल स्वरूपीण ब्राह्मणाय नमः, नाग स्वरूपीण ब्राह्मणाय नमः, कालिक स्वरूपिण ब्राह्मणाय नमः, शंखपाल स्वरूपिण ब्राह्मणाय नमः, भूधर स्वरूपिण ब्राह्मणाय नमः, और इन स्वरूपों का नाम बोलकर ब्राह्मण देवता को उन स्वरूप जानकर फिर उनका पूजन करना चाहिए और उनको पूजा के अंत में ब्रह्म भोजन करवाना चाहिए। अगर सशक्त नहीं है तो यहाँ पर लिखा है कि आप एक ब्राह्मण देवता को भी भोजन करवा सकते हो। फिर उनको प्रार्थना करनी है कि हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए, चाहे किसी भी जन्म का कोई नाग दोष हमारे ऊपर हो तो इस ब्रह्म भोजन के माध्यम से, हमने जो नाग बलि का पूजन विधान करवाया उसके माध्यम से वह सारा दोष मेरे कुंडली में से, मेरे परिवार में से या फिर मेरे आने वाली पीढ़ियों में से या फिर मेरे बच्चों में से वह पूर्ण रूप से क्षय हो जाए, दूर हो जाए और कभी भी फिर से यह नाग दोष हमारे जीवन में ना रहे। और ये जब पूरा विधान हो जाए तब नाग देवता की पूजा के बाद जो सर्प सूक्तम है उसका पाठ किया जाता है, और यह पाठ मैं अभी इसमें रख रहा हूँ इसलिए कि अगर किसी को नाग के सर्प के अगर स्वप्न आ रहे हैं तो आप इसका पाठ प्रतिदिन, कोई भी इसका नियम नहीं है, कम से कम एक पाठ किसी भी समय कर सकते हैं, सोने से पहले भी रात को यह पाठ कर सकते हैं। किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर वह उसका विधान करवाने में सक्षम नहीं है तो एटलीस्ट इसका एक एक पाठ कीजिए, उससे भी आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। और किसी की जन्म कुंडली में नाग दोष आदि है तो इसका पाठ करने से वह कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या में शांति आपको प्राप्त होगी, और यह नाग बलि में नागों के लिए अर्थात सर्पों के लिए प्रार्थना के स्वरूप में दर्शित है, और वह जो सर्प सूक्तम या नाग के जो मंत्र है वो ये है, ओम ब्रह्म लोके च ये सर्पाः शेष नाग पुरोगमाः नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नः सन्तु मे सदा, विष्णुलोके च ये सर्पा वासुकी प्रमुखाश्च ये नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नः सन्तु मे सदा, रुद्रलोके च ये सर्पास्तक्षक प्रमुखास्तथा नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नः सन्तु मे सदा,
खांडवसीय तथा दाहे स्वर्गम ये च समाश्रिता नमोस्तुतेभ्य सुप्रीता प्रसन्न सन्तु मे सदा सर्पसत्रे च ये सर्पा आस्तिकेन च रक्षिता नमोस्तुतेभ्य सुप्रीता प्रसन्न सन्तु मे सदा मलये चैव ये सर्पा कर्कुट प्रमुखाश्च ये नमोस्तुतेभ्य सुप्रीता प्रसन्न सन्तु मे सदा धर्मलोके च ये सर्पा वैतरण्यां समाश्रिता नमोस्तुतेभ्य सुप्रीता प्रसन्न सन्तु मे सदा ये सर्पः पार्वतीयेषु दरिसन्धिषु संस्थिता नमोस्तुतेभ्य सुप्रीता प्रसन्न सन्तु मे सदा ग्रामे वा यदि वारणीये ये सर्पः प्रचरन्ति नमोस्तुतेभ्य सुप्रीता प्रसन्न सन्तु मे सदा पृथिव्यां चैव ये सर्पा बलि संस्थिता नमोस्तुतेभ्य सुप्रीता प्रसन्न सन्तु मे सदा रसातले च ये सर्पा अनंताद्या महाबला नमोस्तुतेभ्य सुप्रीता प्रसन्न सन्तु मे सदा। यह नाग बलि के दौरान इस सर्प सूक्तम का, इस सर्पों की प्रार्थना का यह सूक्तम है, इससे प्रार्थना की जाती है। आप नित्य दैनिक जीवन में भी इसका पाठ कर सकते हो, कोई दोष आदि इसका है नहीं। अगर कुंडली में काल सर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, तभी पाठ किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप चाहे तो कर सकते हैं, बुरे स्वप्नों से आपकी रक्षा होगी। अब नाग बलि में यह प्रार्थना आदि कर देने के बाद फिर भगवान से क्षमा याचना आदि सब कुछ किया जाता है। फिर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि जाने अनजाने कोई भी भूल आदि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि जन्म कुंडली से, परिवार में से किसी भी प्रकार का कोई नागवध, सर्पवध दोष आदि लगा है किसी भी प्रकार से, तो वह संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाए, इसीलिए मैंने यह नाग बलि नामक विधान करवाया था, उसका आप स्वीकार कीजिए। तो ये होता है नाग बलि का विधान। अब नारायण बलि, नाग बलि, ये शब्द दोनों अलग है। नारायण बलि में नारायण बलि अर्थात जो पितरों के लिए भगवान विष्णु को उद्देशित रख के, बाकी पंचदेवताओं आदि को उद्देशित रख के किया जाता है। जब पंच बलि आप करते हो तब पांच बलियां होती है, लेकिन जब नाग बलि अकेले आप करते हो तो इस कारण हेतु किया जाता है जो मैंने शुरुआत में बताया। किस प्रकार से किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया, क्यों किया जाता है वो भी आपको बताया, और आप चाहे तो इसका सुक्तम का पाठ भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये था आज का यह विषय वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। और क्या आपके जीवन में सर्प या नाग से जुड़ा हुआ कोई ऐसा अनुभव है, या उस अनुभव के बाद या नाग दोष से जुड़ी कोई समस्या आपके जीवन या कुंडली में है? अगर है तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम।